देखिए, सरकार बचनी नहीं बचनी वो तो आगे का फैसला होगा, क्या होता है कि विधानसभा के अंदर होता है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ खड़ी है। दूसरा, ये सारा जो खेल हो रहा है ये बीजेपी पीछे से खेल रही है। एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड, ये एकमुश्त जहाँ जहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस के अलायंस है, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ भी विपक्ष की गवर्नमेंट है वो विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं पूरे देश को, और उसके लिए वो जनता से वोट नहीं मांग रहे। एग्जाम्पल है 10-12 स्टेट का, जहाँ पे इन्होंने जोर जबरदस्ती थे पीछे के गेट से, लोभ से, लालच से, पैसे से, ईडी से, सीबीआई का भय डर से, दाम शान दंड भेद आप कह सकते हैं, उससे आपने जोर जबरदस्ती से सरकार बनाई है, और महाराष्ट्र उसका एग्जाम्पल है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ खड़ी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो खेल हो रहा है, जो सौदेबाजी हो रही है, वो ना हो। और शिवसेना का ये इंटरनल मामला है, लेकिन वो उस मामले को सुलझा ले, इसका हम विश करते हैं। और मैम, मेरा आखिरी सवाल है को लेके, कांग्रेस पार्टी रोड पे दिखी, वहीं पे 27 तारीख को एक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट करने वाली है। क्या बिहार में भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम लोग पूरे देश में, और डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बल्कि विधानसभा वाइज, हम लोग इस प्रोटेस्ट को लेके जा रहे हैं, और बिल्कुल ही अहिंसक तरीके से, शांति से, जगह जगह धरने होंगे, और हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरह से युवा आज विचलित है, परेशान है, एक तरफ आप 16 लगभग 16 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाले थे, और 8 साल के बाद आप कह रहे हैं कि संविदा पे नौकरी होगी। उल्टा जो बेचारे अभी जिनका सिर्फ इंटरव्यू क्या, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था 1,13,000 समथिंग के, ज़्यादातर वो बिहार और यूपी के थे, उनका तो भविष्य ख़त्म हो गया। हम उनके साथ खड़े हैं, और हम मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, और जो सेना के साथ भी जो हो रहा है उसकी डिग्निटी पे आएगा, हमारी वर्ल्ड क्लास सेना है उस पर आएगा। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हालात में सरकार को अहंकार छोड़ना चाहिए, अग्निपथ को वापस लेना चाहिए, जिसके तहत 27 को हम लोग देश वाइज, विधानसभा वाइज उस प्रोटेस्ट को करने वाले हैं।